बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस सीरीज़ को ख़त्म करने में। ये सीरीज़ अच्छी होने के बावजूद भी मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था कि इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन धीरे 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 करके मैंने एक एक एपिसोड को देख कर इसे कंप्लीट कर लिया एटलीस्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले डिसेंडेंट ऑफ सन कोरियन वेब सीरीज के बारे में, जो एक हमारे ही सब्सक्राइबर हर्ष बिस्ट ने जो ये सीरीज जो है मुझे सजेस्ट की थी। तो थैंक यू हर्ष भाई, आप लोग आपने जो अपनी सजेशन जो मेरे साथ शेयर करी। इस सीरीज के अंदर टोटल 21 एपिसोड है और मैं यही कहूंगा कि इन 21 एपिसोड को अगर मिलाएं तो ये करीबन करीबन 19 से 20 घंटों की एक सीरीज बन जाती है। जब स्टार्टिंग में मैंने देखा था इसके अंदर 21 एपिसोड है तो मैं ये देख के डर गया था, बट फिर जब इसको देखना शुरू किया तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ और मैं इसको देखता ही चला गया। देखो, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, वो ये है कि ये 21 एपिसोड की एक ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर ड्रामा है, फ्रेंडशिप है, रोमांस है, लव है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इन सब चीजों को एक 5 से 7 मिनट की एक वीडियो में लेके आना शायद ही मुश्किल भरा हो सकता है, तो मैं इसके अंदर आप लोगों को ब्रीफ में ही बता पाऊंगा, बट मुझे माफ करना अगर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज मुझसे रह जाती है। तो एक लड़का है जिसका नाम है सिन जिन, जो आर्मी में कैप्टन है, और उसी का एक जिगरी दोस्त है सार्जेंट योंग। इन दोनों की लव स्टोरी दिखाई गई है, मतलब इन दोनों की आपस में नहीं, इन दोनों की दो अलग अलग लड़कियों के साथ जो है वो लव स्टोरी दिखाई गई है। सिन जिन जो है वो एक डॉक्टर मोयोन को प्यार करता है और मोयोन भी इससे प्यार करने लग जाती है, बट वो एक डॉक्टर होने के कारण, मतलब इसके अंदर डॉक्टर और आर्मी के सोल्जर के बीच में प्यार दिखाया गया है, और मोयोन एक डॉक्टर होने के कारण उसके मन में यह रहता है कि वो तो एक जान बचाने वाले, मतलब एक उसका जो कर्तव्य है वो जान बचाने का है, और जबकि एक आर्मी जो है, आर्मी का जो सोल्जर है वो जान लेता है, तो वो उससे कैसे प्यार कर सकती है। तो ये जो थॉट है उसके मन में बार बार आपस में टकरा रहे हैं, और वो ये बात कहती भी है सिंजिन से, लेकिन सिंजिन इसके ऊपर बहुत खूबसूरत जो बात कहता है कि भी जो एक आर्मी का जो कर्तव्य होता है वो देश की सुरक्षा के लिए, देश में अमन और शांति के लिए वो दुश्मन की जान लेता है। शुरुआत में भी आप लोगों को भी थोड़ी सी अजीब लग सकती है, थोड़ी सी अटपटी बातें लग सकती है, और आप भी कहोगे कि यार क्या लड़की बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या इसे पता नहीं एक आर्मी के बारे में। और वो शुरुआत में ही सिंजिन को जो उससे, जबकि उससे वो प्यार करती है, वो इस चीज के लिए इनकार भी कर देती है कि वो उससे प्यार नहीं करती, बावजूद प्यार करते करते भी। लेकिन जब वो बेरू नाम की एक जगह पर, जो एक दूसरे देश के अंदर है, वो जब जाती है अपनी मेडिकल स्टाफ के साथ वहां पर कुछ मेडिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए, और उनकी सुरक्षा के लिए जो आर्मी दी जाती है वहां पर, उसी आर्मी में जो होता है फिर से सिंजिन होते हैं, यानी इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है एक बार अलग होने के बाद। मोयोन वहां के कड़े हालात देखकर ये देखती है कि आर्मी के जो सोल्जर हैं वो अपने देश के लिए कैसे वहां पर वो काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के देखकर मोयोन के अंदर धीरे 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 परिवर्तन इसके अंदर दिखाया गया है। किसी भी देश की आर्मी अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश प्रेम के लिए सो बॉर्डर पे जाके खड़ी होती है, बजाय कि उसके पता होता है कि उसके पीछे उसका परिवार है, उसके माँ बाप है, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, इन सब की परवाह किए बगैर वो बॉर्डर पर खड़े हैं, अपनी जान हथेली पे रखकर सिर्फ और सिर्फ देश की अमन और शांति के लिए। ये सब चीजें मोयोन को धीरे धीरे रियलाइज होती है। और इधर सार्जेंट योंग जो एक अपने से बड़े रैंक की एक लड़की है, ल्यूटिनेंट म्योंग जू, उससे बहुत प्यार करता है और म्योंग जू भी इससे बहुत प्यार करती है, लेकिन इन दोनों के बीच जो प्यार का जो दुश्मन बनता है वो म्योंग जू के पिता हैं, जो बहुत बड़े पद पर, मतलब आर्मी के सबसे टॉप लेवल पे आते हैं, ल्यूटिनेंट जनरल योन। तो वो इन दोनों को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि म्योंग जू की जो शादी है वो सिंजिन से हो जाए, और इस वजह से वो सार्जेंट योंग को ऑर्डर देते हैं एज ए सीनियर सोल्जर के नाते, कहते हैं कि तू मेरी बेटी से कभी बात नहीं करेगा, ये उसका ऑर्डर होता है। वो एक सिपाही अपने सीनियर का ऑर्डर मानता भी है और वो उसकी बेटी से बिल्कुल हर एक रिश्ता तोड़ लेता है। लेकिन यहां पर मैं कहूंगा कि एक तरीके से जो डायरेक्टर ने जो दिखाया है, एक लड़की का जो उसके प्यार जो दिखाया गया है वो अटूट दिखाया है, मुझे मतलब एक तारीफ करने का मन करता है। ये लड़की बिल्कुल पीछे नहीं हटती, अपने प्यार के ऊपर बिल्कुल डटी हुई रहती है और मजबूर कर देती है अपने पिता को इस चीज पे झुकने के लिए कि भी हाँ उसे झुकना ही पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इधर ये सार्जेंट योंग के अंदर भी ये हिम्मत भरती है कि उसे अपने प्यार के लिए खड़ा होना चाहिए। तो इस सीरीज की जैसे शुरुआत होती है चीजों का बिगड़ना, फिर धीरे 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 चीजों का ठीक होना, हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर देता है ये, और लास्ट में जाते जाते सब कुछ जब सही होता है तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कसम से यार, ऐसा ट्विस्ट मैंने यार मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि यार ये सब दिखाने वाले हैं। और जब आता है कि मेरा मन ऐसा किया कि यार बस यार अब इससे ज्यादा और नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यार वो इतना अंदर तक खिला देते हैं। इस सीरीज के लास्ट के जो 5 एपिसोड है, मैं यही कहूंगा कि यार वो आपको हंसाते हैं, आपको रुलाते हैं, आपको फ्रेंडशिप का असली महत्व सिखाते हैं, मतलब जान है वो 5 एपिसोड। ऐसा नहीं है कि जो पिछले जो 5 से, यानी जो लास्ट के जो 5 हैं, जो पहले बच गए जो 16 एपिसोड है वो बिल्कुल खराब है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। वो आपको जो करेक्टर डेवलपमेंट है इसके अंदर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, आपको एक एक करेक्टर से जुड़ने का पूरा टाइम मिलता है, उनके पीछे की कहानी आपको जानने के अंदर मिलती है। लेकिन जो 5 के एपिसोड है कि आपको इन सब के बारे में बता दिया, आपको अच्छे
से इनके साथ कनेक्ट कर दिया। जो 5 या लास्ट के जो 6 एपिसोड है वो आपको हिलाने के लिए काफी हैं। इस सीरीज के अंदर फ्रेंडशिप, लव, ड्रामा, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया गया है। और मोयोन का एक आर्मी के प्रति उसका आर्मी का क्या कर्तव्य है, इस चीज को समझना और वो इस चीज को समझती भी है, इसको अच्छे से डेवलप किया गया है। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10 स्टार। अगर किसी ने सीरीज नहीं देखी तो मैं उसको जरूर रिकमेंड करूंगा कि प्लीज जाकर ये सीरीज देखो, बहुत अच्छी सीरीज है। और जिन्होंने देख रखी है तो कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। और हाँ, बहुत सारे जो आते हैं मुझे कमेंट आते हैं कि प्लीज भाई इसका भी रिव्यू कर, इसका भी रिव्यू कर। हाँ हाँ, थोड़ा सा सबर करो यार, जैसे हर्ष भाई ने थोड़ा सा वेट किया, मैंने उनको कहा कि मैं कर रहा हूं, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं और जैसे कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको इसका रिव्यू कर दूंगा। और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी रिकमेंडेशन दे रखी है, बट जैसे वो कंप्लीट होंगी मैं उनका रिव्यू जरूर कर दूंगा। थोड़ा सा सबर रखो यार। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।